आइए अब खबर विस्तार से। नए संसद भवन के उद्घाटन पर देश को ऐसी धरोहर मिलेगी जिससे लोग अनजान हैं। वो धरोहर है सेंगोल। क्या है ये सेंगोल, जानिए। नए संसद भवन यानी सेंट्रल विस्टा में सेंगोल लगाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी। अमित शाह ने बताया कि संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही एक ऐतिहासिक परंपरा भी पुनर्जीवित होगी। इसी परंपरा को सेंगोल कहा जाता है। इसका अर्थ है संपदा से संपन्न। नए संसद भवन में इसे स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया जाएगा। संसद भवन में जिस सेंगोल की स्थापना होगी उसके शीर्ष पर नंदी विराज। सेंगोल का इतिहास काफी पुराना है। 14 अगस्त 1947 में जब भारत की सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो वो इसी सेंगोल द्वारा हुआ था। एक तरीके से कहा जाए तो सेंगोल भारत की आजादी का प्रतीक है। उस समय सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था कि सेंगोल जिसको प्राप्त होता है इसके पास से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा रखी जाती है और एक प्रकार से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन करने का आदेश उसको मिलता है जिसे तमिल में आणई कहते हैं। और इस सेंगोल को प्राप्त करने की घटना को आजादी के समय विश्व भर के मीडिया ने इसका जिक्र भी किया है, इस पर वृत्तांत भी प्रकट किए हैं। टाइम मैगजीन ने बहुत ज्यादा ग्राफिक्स के साथ इसको रिपोर्ट किया। भारत के भी सभी अखबारों ने इसको यथोचित सम्मान दिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सेंगोल का इतिहास इतना पुराना है लेकिन इसके बावजूद देश के अधिकांश नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं है। सेंगोल ने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई थी। जिसकी जानकारी पीएम मोदी को मिली तो उन्होंने गहन जांच करवाई, फिर फैसला लिया गया कि इसे देश के सामने रखा जाना चाहिए और फिर यह तय किया गया कि इसे सेंट्रल विस्टा में स्थापित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बालाघाट में राम कथा कही और इस दौरान हिंदू राष्ट्र की हुंकार भी भरी और विरोधियों को जवाब भी दिया। वनवासी आदिवासी लोग विचलित हो जाएंगे, हमें उल्टा लग रहा कि उनकी अब ठटरी भर गई। तो लीजिए, फिर बंद गई ठटरी। विरोधियों की ठटरी बांधने का ताजा मामला बालाघाट का है। परसवाड़ा के भादू कोटा में बाबा वनवासी रामकथा विवादों में आ गई। राम कथा रुकवाने के लिए यहां के आदिवासी संगठन हाईकोर्ट तक जा पहुंचे। कहा गया कि जंगल में राम कथा का वाचन करने से वनवासियों के संस्कार और संस्कृति पर असर पड़ेगा, लेकिन हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और राम कथा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उत्साह में बाबा बोले, लो बंद गई ठटरी। पहले हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर सरकार को यहाँ मत भेजो जंगल में, वरना वनवासी आदिवासी लोग विचलित हो जाएंगे, हमें उल्टा लग रहा कि उनकी अब ठटरी भर गई। हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म की बात करने वाले बाबा यानी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि बालाघाट जैसी जगहों पर कथा क्यों जरूरी है। हाईकोर्ट जाने वालों पर भी बाबा जमकर बरसे। उन्हें लग रहा था रुक जाएगी, पर सच ये है विरोध करने वाले भी कुछ अंग्रेज ही हैं। लेकिन एक बात बोल रहे, धन्य है बालाघाट के पागलो, तुमने उनको जिस प्रकार तुम्हारे भगवान वीर बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों को उखाड़ दिया, अब हमें लगता है फिर से जंगल से ही क्रांति उठेगी और भारत में रहने वाले हिंदू विरोधियों को तुम ही लोग उखाड़ पाओगे। बाबा ने वनवासियों के बीच हिंदू राष्ट्र की अलख जगाई, वनवासियों को उनके गौरव की याद दिलाई। बोले, आपके पूर्वजों ने जिस तरह भगवान राम का साथ दिया था, अब आपको हिंदू राष्ट्र का साथ देना है। क्यों? क्योंकि हमारे आपके आराध्य प्रभु राम, हमारी आपकी कुलमाता माता सबरी, उनके अलावा कोई, हमारी प्रार्थना है
हम विवादित बयान न्यूज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, सबके प्रति हमारा सम्मान है। हम केवल और केवल इसलिए हमारे प्रति, हमारे अंदर राष्ट्र को जो हम देख पा रहे हैं, जो हमने अपनी चेतना से देखा कि 10 साल बाद यहाँ राम कथा कहना मुश्किल हो जाएगा भारत में, अगर ऐसे ही चलता रहा राम कथा नहीं कह पाएंगे। लेकिन हम होने नहीं देंगे, हम अब सब वनवासियों को इकट्ठा करके भारत में पुनः संस्कृति का प्रचार करवाएंगे। भक्तों के साथ बाबा के विरोधी भी कम नहीं हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें बाबा की हिंदू राष्ट्र की हुंकार पर एतराज है। इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद साजिद रशीद ने बाबा की तुलना सिमी और पीएफआई से कर दी और कहा कि इन पर इस्लामिक स्टेट के लिए मूवमेंट चलाने के लिए बैन लगा है। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर भी बैन लगना चाहिए। इस बयान पर पलटवार करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात हिंदुस्तान में होगी ही और हिंदू राष्ट्र का मतलब जातिवाद मिटाना है। बाबा ने यह भी कहा कि रामायण, गीता और महाभारत के विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की बात अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं के हित की, हिंदू राष्ट्र मतलब कोई पर्टिकुलर धर्म को स्थान देने की बात नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब जातिवाद को मिटाना है। हम इन भाई साहब को जानते नहीं है, वो बाह्यात बातों पर हम जवाब दें। बाबा और विवाद साथ साथ चलते हैं, लेकिन उससे बाबा को फर्क नहीं पड़ता। हालांकि सरकार बाबा को लेकर सचेत है। प्रदेश की सरकार ने बाबा को वाय श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। श्रीनिवास चौधरी, न्यूज 18, बालाघाट। वनवासी आदिवासी लोग विचलित हो जाएंगे, हमें उल्टा लग रहा कि उनकी अब ठटली बढ़ गई। छत्तीसगढ़ में बजरंग दल पर सियासी घमासान मचा है। बीजेपी ने सरकार को चुनौती दी है। सीएम भूपेश बघेल ने इस पर पलटवार भी किया। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक में चुनाव हो गए हैं, सरकार भी बन गई है, लेकिन चुनाव के दौरान उठा बजरंग दल पर बैन का मुद्दा अभी भी गर्म है। बजरंग दल पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में सवाल उठे हैं कि क्या यहां भी बजरंग दल पर कर्नाटक की तरह कोई एक्शन होगा। हालांकि प्रदेश की सरकार ने ऐसा कोई इशारा नहीं किया, लेकिन बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अगर सरकार में दम है तो बजरंग दल को बैन करें। ब्रजमोहन अग्रवाल के बयान पर सीएम ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि बजरंग बली और बजरंग दल अलग अलग हैं। जहां बैन की जरूरत है वहां बैन कर रहे हैं, यहां ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर ब्रजमोहन अग्रवाल उकसाने वाली बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, बजरंग बली अलग है और बजरंग दल अलग है, और ये इनके अनुसांगिक संगठन है। इस हिंदू परिषद को बैन करने की जरूरत जहां होगी वहां वो कर रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है। तो हमको न धमकी देने की बात है न चुनौती देने की बात है, तो जबरदस्ती उकसाने वाली बात क्यों कर रहे हैं? ब्रजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश सरकार को चुनौती दी है और कहा था कि दम हो तो बजरंग दल को बैन करके बताइए, इसका असर चुनाव में दिख जाएगा। कर्नाटक में बैन पर भी ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने बात कही थी और अगर वहां बैन करते हैं तो शांत कर्नाटक अशांत हो जाएगा। इस बात की कोई चिंता नहीं है कि वो बजरंग दल को बैन करेंगे, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए उन्होंने ये वादा किया था और उनको भी मालूम है कि कर्नाटक में एक बहुत बड़ी संख्या है जो संख्या बजरंग बली को मानती है, जो संख्या हिंदू मेथोडोलॉजी को मानती है, और अगर बजरंग दल को बैन करते हैं तो आने वाले समय पर जो शांत कर्नाटक है उस कर्नाटक को अशांति करने का अगर कोई निर्णय करेंगी तो वो कांग्रेस पार्टी करेगी और उसको उसको भुगतना पड़ेगा। चुनावी साल है, छत्तीसगढ़ में भी कुछ प्रभाव देखते हैं क्या इसका? छत्तीसगढ़ में तो मैंने भूपेश बघेल जी को कहा है कि आप में दम है तो बैन करके बताओ, चुनाव में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। बजरंग दल पर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी चुनौती दे रही है जबकि सीएम साफ कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बैन जैसी कोई बात नहीं। हालांकि इसके बाद भी बीजेपी हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बुरहानपुर में कांग्रेस के सम्मेलन में एक अजब नजारा देखने को मिला।
यहां पार्टी के एक नेता को दिग्विजय सिंह ने मंच से उतार दिया। उस नेता ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। सियासत में इन दिनों सबका साथ सबका विश्वास पर जोर है, लेकिन जरा इधर देखिए, सबका साथ तो दूर कांग्रेस के मंच से इसी के नेता को उतार दिया गया। ये तस्वीरें बुरहानपुर की हैं। यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी इसमें शामिल हुए थे। दिग्गी राजा भाषण देने ही वाले थे कि उन्हें मंच पर पदाधिकारियों के बीच कांग्रेस के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष अबरार साहब दिखे। अब दिग्विजय सिंह को इससे क्या आपत्ति थी ये वही जाने, लेकिन इसके बाद इन्होंने जो किया उससे सब हैरान रह गए। दिग्विजय सिंह ने साहब को मंच से उतरने को कह दिया। अब किसी को यूं मंच से उतार दिया जाए, गुस्सा तो आएगा ही, बेइज्जती तो फील होगी ही। अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष को भी हुई, इन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर की है। बुरहानपुर शहर के अंदर बहुसंख्यक के बाद में अल्पसंख्यकों की गिनती होती है। ये पूरे अल्पसंख्यक समुदाय का बेइज्जती है जो उन्होंने मुझे मंच पे से उतारा और अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष को बाहर जाने के लिए कहा। मंच के ऊपर जब मंच लगाया, 160,000 अल्पसंख्यकों को नगर निगम के अंदर भी और विधानसभा में भी लोकसभा में भी अल्पसंख्यक लोग पेट भर के वोट देते हैं, उसके बाद में अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष के लिए वहाँ अंदर कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं बाहर आ गया हूँ। दिग्विजय सिंह जी ने कहा। मैं वर्तमान में ग्रामीण जिला अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक कांग्रेस से और वर्तमान पार्षद भी हूँ कांग्रेस से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ड से, अबरार साहब। आप ये स्टेप उठाएंगे शहर के अंदर, आपके माध्यम से बात जाना चाहिए कि हमारे साथ में क्या बेइज्जती हुई है। आप देख सकते हैं अंदर मीटिंग चल रही है और अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष हूँ, नियुक्त जिला अध्यक्ष हूँ, मुझे बाहर किया गया है। एमपी में चुनावी साल है, पार्टियां हर वर्ग को साधने की कवायद कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं को ही नाराज कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तपती चुभती गर्मी अगर आपको बहुत परेशान करती है, आप लगातार एसी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये खबर देखना आपके लिए बेहद जरूरी। देश और प्रदेश के कई जिलों में पारा 40 को पार कर गया है, कई जगहों पर अर्धशतक की तैयारी कर रहा है। इन सब के बीच गर्मी से राहत पाने का नाम है एयर कंडीशन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एसी का सहारा आपको धीरे धीरे बहुत बीमार कर सकता है। ज्यादा टाइम हम जब एसी में रहते हैं तो ड्राइनेस की सबसे बड़ी एक शिकायत होती है। आँखों में ड्राइनेस हो सकती है जिससे आँखों में इरिटेशन, सर में दर्द हो सकता है। नाक में ड्राइनेस होने से जिन लोगों की नाक की प्रॉब्लम रहती है, स्टफिनेस, ब्लॉक, ये सब बढ़ सकता है और थ्रोट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो एसी की एयर होती है वो मतलब डिहाइड्रेशन भी करती है, क्योंकि वो ड्राई एयर होती है, तो हमें डिहाइड्रेशन के बाकी सिम्टम्स जैसे चक्कर आना, थकान लगना, पेट में दर्द होना, ये सब भी हो सकता है। तेजी से बदलते मौसम ने इंसानी शरीर की चुनौतियों को बढ़ा दिया है, साथ ही सिक बिल्डिंग सिंड्रोम का भी खतरा बढ़ रहा है, इसे भी समझ लीजिए। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो टेम्परेचर चेंज जो होता है, अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम एसी में रहते हैं और सडनली बाहर जाते हैं जब जहाँ बहुत गर्मी है या बारिश हो रही है, तो बॉडी में एक शॉक लगता है, स्ट्रेस में आ जाती है बॉडी, और वो जो है शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो उसमें आपको नाक बह सकती है, इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। जिन लोगों को बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम्स है उनको भी ये सडन टेम्परेचर चेंज में की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और जो दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा सिक बिल्डिंग, वो यही है कि जब हम हमारे ज़्यादातर ऑफिस एसी होते हैं और लोग बहुत ज़्यादा टाइम एसी के अंदर ही बिताते हैं, तो उसकी वजह से शरीर पर जो हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं जैसे डिहाइड्रेशन, आँखों में ड्राइनेस, कुछ लोगों को एलर्जीज होती हैं, वो भी एसी में रहने से बढ़ सकती हैं। इसी प्रॉब्लम्स
का कलेक्टिव नेम सिख बिल्डिंग से। ये भी समझना बहुत जरूरी है कि राहत देने वाला एसी कब आफत बन जाए और आपको कैसे समझ आएगा कि आप इसके शिकार हो रहे हैं। वो हमारे आसपास के एयर से मॉइस्चर को निकाल देता है, तो मॉइस्चर निकालने की वजह से जो एयर जिसमें हम बैठे हुए हैं वो बहुत ड्राई होती है। हमारी जो त्वचा है उसमें मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी होता है। आँखों के ऊपर जो एक फिल्म होती है, प्रोटेक्टिव फिल्म, उसमें भी ड्राइनेस का बुरा असर होता है। स्किन में ड्राइनेस होने से एलर्जिक इश्यूज, स्किन में इन्फेक्शन होना, ये सब हो सकता है। नाक में ड्राइनेस मैंने अभी बताया, इन्फेक्शन हो सकता है, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है एक्सेसिव। थ्रोट में भी अगर प्रोटेक्टिव लेयर ड्राई रहेगी तो थ्रोट प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा ड्राई एयर, जब हम एसी में बैठे रहते हैं तो हमें प्यास ज़्यादा नहीं लगती है, तो अगर हम पानी कम पियेंगे, तो अगर बाहर जाएंगे और गर्मी है तो हीट एग्जॉशन या लू लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो गर्मी से बचने के लिए भले ही एसी का सहारा लेना पड़े, लेकिन अगर सावधानी से इसका इस्तेमाल किया जाए तो राहत भी मिलेगी और आफत भी नहीं आएगी। फरहा खान, न्यूज 18, दिल्ली। छत्तीसगढ़ की सियासत में आधी आबादी का अहम रोल है। महिला विधायकों के मामले में तो छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल है। बात मतदाताओं की करें तो यहां भी महिला दमदार हैं। चुनावी साल में पार्टियां महिलाओं पर दांव खेलने की तैयारी में है। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम ने ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देने की मांग की है। बीजेपी ने इस पर निशाना साधा। रिपोर्ट देखें। छत्तीसगढ़ में आधी आबादी यानी महिलाओं की भूमिका समाज के साथ साथ चुनावों में भी बेहद महत्वपूर्ण है, यूं कहें कि निर्णायक है। पार्टियां इस बात को समझती हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस तो 40% तक महिलाओं को टिकट देने की तैयारी में है। प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष फूलो देवी नेताम ने ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देने की वकालत की है। इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी अच्छा है और वे हाईकमान से मांग करेंगी कि इस बार भी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट मिले। महिला कांग्रेस की भूमिका के बारे में पूछे, पिछले विधानसभा में मेरी महिला कांग्रेस ने बूथ लेवल पे गठन करके बूथ तक जाके प्रचार प्रसार किए। इस बार की चुनाव में भी हम लोगों ने महिला संगठित है, महिला एकजुट है और बूथ लेवल की कमेटी गठन है। निश्चित तौर पर उनको जवाबदारी दी जाएगी, तो ईमानदारी के साथ काम करेंगे। और महिलाओं को विधानसभा के बारे में आप लोगों ने पूछा, पूरे देश में रिकॉर्ड लिखा के देखिए, जो प्रतिशत के आधार पर भी देखें तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में महिला विधायक हैं। और एक महिला होने के नाते मैं चाहूँगी और हाईकमान से भी मांग करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को मैदान में उतारें। जैसा कि फूलो देवी नेताम ने कहा, छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। देश में कुल 16 विधायक महिला हैं। कांग्रेस सरकार आने के बाद अब तक 5 उपचुनाव हो चुके हैं। इनमें 3 उपचुनावों में कांग्रेस ने महिला प्रत्याशियों को मौका दिया। इसी के साथ ही महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में छत्तीसगढ़ विधानसभा देश में नंबर 1 बन चुकी है। इस बार भी कहा जा रहा है कि पार्टी ज्यादा से ज्यादा महिला प्रत्याशियों को मौका देगी। इस पर बीजेपी ने निशाना साधा। देखिए, कांग्रेस क्या करेगी ये कांग्रेस का विषय है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से चुनाव के मैदान में जाएगी, किसे प्रत्याशी बनाएगी, किसे नहीं बनाएगी, ये उनका अपना मामला है। पर छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की छुट्टी करने की। प्रदेश के कई जिलों में तो महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। राजनीति में भी महिलाओं का बड़ा रसूख है और विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देकर पार्टियां इसका फायदा उठाना चाहती हैं। इन्हें पता है कि अगर सत्ता हासिल करनी है तो आधी आबादी का साथ जरूरी है। युगल तिवारी, न्यूज 18, रायपुर।
इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, नमस्कार।